सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज आपका स्वागत है एक न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन पत्ती लोटस 13 कार्ड गेम ऐप के बारे में। अगर आप भी ऐप यूज़ कर रहे हैं और आप भी इस ऐप में न्यू अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इस ऐप में न्यू अकाउंट क्रिएट कैसे कर सकते हैं, तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। अगर आपको कोई भी ऐप से रिलेटेड, कोई भी फ़ोन से रिलेटेड, कोई भी बैंक अकाउंट से रिलेटेड, UPI से रिलेटेड, Paytm से रिलेटेड, Google Pay से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर कोई भी दिक्कत आती है तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपकी प्रॉब्लम वहाँ से भी सॉल्व नहीं होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करेंगे। तो चलिएगा इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो पहले प्ले स्टोर से जो है आपको ऐप को करना है सर्च। ऐप को आप सर्च करेंगे तो आपको इस टाइप से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको इंस्टॉल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इंस्टॉल के ऑप्शन पर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद में वेट करना है, ऐप को डाउनलोड होने का वेट करना है। ऐप को डाउनलोड करने के बाद में आपको इस टाइप से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको प्ले का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। प्ले के ऑप्शन पर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद में आपको इस टाइप से इंटरफेस देखने को मिलेगा, वेट करना है। सो गाइस, ओपन होने के बाद में इस टाइप से आपको ऐप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपको फेसबुक के साथ लॉगिन करना है तो आपको करना है फेसबुक पर क्लिक। अगर आपको गूगल के साथ लॉगिन करना है तो आपको करना है गूगल पे क्लिक। अगर आपको फ़ोन नंबर के साथ लॉगिन करना है तो यहाँ पे आपको डालना है अपना फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर डालने के बाद में जो फ़ोन नंबर आप डालेंगे यहाँ पे आप सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। जो फ़ोन नंबर आपने डाला होगा उस फ़ोन नंबर पे जाएगा OTP, तो वो OTP यहाँ पे आपको डाल लेना है। तो मैं डाल लेती हूँ। सो गाइस, डालने के बाद में लॉगिन पर आप क्लिक करेंगे तो जो आपका न्यू अकाउंट है वो जाएगा क्रिएट। तो इसी तरीके से आप न्यू अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।